उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के ग्राम पंचायत घुसपुर और लक्ष्मीपुर के ग्रामीणों ने पिछले 10 दिनों से लगातार की जा रही बिजली कटौती को लेकर बिजली सब स्टेशन बुझिया पर प्रदर्शन किया। ग्रामीण किसानों का आरोप है कि 10 दिनों से लगातार बिजली कटौती की जा रही है, 24 घंटे में 1 से 1.5 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाती है। वहीं बिजली सब स्टेशन पर प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों द्वारा सब स्टेशन पर मौजूद रजिस्टर में 8 घंटे बिजली सुचारू रूप से दिए जाने की एंट्री देख ली गई, जिसके बाद ग्रामीणों में अधिक रोष व्याप्त हो गया। ग्रामीणों द्वारा बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। किसानों का आरोप था कि उनकी बिजली विभाग के ढुलबुल रवैये के चलते मक्का की फसल बर्बाद हो चुकी है। अब किसानों ने धान की फसल की है, तब भी बिजली विभाग के लोग बिजली उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। किसानों ने इसकी शिकायत बिजली विभाग के जेई और SDO से भी की, पर मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों के प्रदर्शन की सूचना XEN विद्युत को लगी तो उन्होंने ग्रामीणों को फोन पर समस्या का समाधान का आश्वासन दिया है। रंजीत सिंह जी, क्या समस्या आ गई जो आपको बिजली कराना? भैया बिजली नहीं आ रही, हमारी सब फसल सूख रही है और इनसे फोन करते हैं, कोई नहीं अटेंड करता है। क्या दिक्कत आ रही, कब से बिजली नहीं है? कितनी बिजली मिली? 5 दिन से पाँच दिन हो गए हमको, बिल्कुल 1 घंटा 1.25 घंटा बिजली देते हैं। अच्छा, और फोन करने पर अटेंड नहीं करते, बोलते बिजली ऐसी चलेगी। कौन कहता है? जेई साहब कहते हैं, SDO साहब फोन नहीं अटेंड करते। सरकार ने तो 18 घंटे और 22 घंटे बिजली देने की बात कही थी। वो सरकार तो कहती है लेकिन ये नहीं मान रहे हैं। ये बोलते हैं हमारी बिजली ऐसी चलेगी, हमारे कॉन्ट्रैक्ट आगरा से हैं, हमारे पे ऐप लगा हुआ है, हम 4 बजे से बिजली नहीं चला पाएंगे। इनसे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, ये नहीं बिजली चलाते हैं। उच्च अधिकारियों से शिकायत की आपने? हाँ की। SDO साहब से वो फोन नहीं अटेंड कर रहे हैं। XEN साहब से बोला कि हम उनको खींचते हैं, क्यों नहीं बिजली दे रहे हैं। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर।